1887 में आज ही दिन भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था। ठाकुर भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेश वाहक, नारी विमर्श एवं दलित विमर्श के उद्घोषक, लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे। भिखारी ठाकुर बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे। भिखारी ठाकुर की मातृभाषा भोजपुरी थी और उन्होंने भोजपुरी को ही अपने काव्य और नाटक की भाषा बनाया। विदेशिया भाई, विरोध बेटी, वियोग कलियुग, प्रेम राधेश्याम, बहार बिरहा, बहार राहुल और सांकृत्यायन उनकी बेहतरीन प्रमुख रचनाएं हैं। राहुल सांकृत्यायन ने उनको अनगढ़ हीरा कहा था तो जगदीश चंद्र माथुर ने उन्हें भरत मुनि की परंपरा का कलाकार बताया। उनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी माना जाता है। 1971 में आज एक दिन भारत के प्रसिद्ध निबंधकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का निधन हुआ था। वह सरस्वती हिंदी पत्रिका के कुशल संपादक थे और उन्हें साहित्य वाचस्पति और मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने साहित्यिक जीवन का शुभारंभ कवि रूप में किया था। साल 1916 से लेकर 1925 तक इनकी स्वच्छंदतावादी प्रकृति की फुटकर कविताएं तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। बाद में शतदल नाम से इनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को वास्तविक ख्याति आलोचक और निबंधकार के रूप में मिली। उनका पहला निबंध सोना निकालने वाली चीटियां सरस्वती में प्रकाशित हुआ। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने 1929 से 1934 तक अनेक महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकों यथा पंचपात्र, विश्व साहित्य प्रदीप की रचना की। साल 1949 में उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया गया। 1974 में आज ही के दिन ब्रिटेन की सरकार ने यह तय किया कि करीब 3 साल पहले उत्तरी आयरलैंड में हुए दंगों में हताहत हुए लोगों को £42,000 की राशि का मुआवजा दिया जाएगा। इन दंगों को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। लंदन डेरी जिले में 1972 में 13 व्यक्तियों की मृत्यु तब हो गई थी जब कुछ प्रदर्शनकारियों पर ब्रिटानी फौज ने गोलियां चलाई थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने मुआवजों की घोषणा करते हुए कहा था कि यह फैसला दूरियों को कम करने और आपसी सौहार्द बढ़ाने के चलते लिया गया है। हालांकि दूसरी तरफ पीड़ितों के परिवार जन लगातार यही कहते रहे कि उन्होंने मुआवजे की मांग इसलिए नहीं की कि जिससे यह बात गलत साबित हो सके कि उनके परिवार वाले बंदूकधारी और हमलावर थे। मुआवजे की घोषणा के कुछ दिन बाद पीड़ितों के परिजनों ने इसे स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वे इस कानूनी लड़ाई को आगे भी लड़ते रहे। 1997 में आज ही के दिन 300 वर्षों में पहली बार स्कॉटलैंड ने अपनी पहली संसद देने वाला विधेयक पारित किया था। स्कॉटलैंड सचिव डोनाल्ड देवार ने ग्लासगो में स्कॉटलैंड की राजनीति के भविष्य पर यह फैसला सुनाया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अनुरोध किया कि वे इस विधेयक को कानून बनाने में विलंब ना करें। उन्होंने कहा कि 300 दिनों के भीतर ही हम लोगों ने स्कॉटलैंड के 300 वर्षों के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव किया है। इस विधेयक के मुताबिक स्कॉटलैंड की संसद में 129 सांसद होने तय किए गए और संसद का कामकाज साल 2000 तक शुरू होना था। इस बात पर भी सहमति बन गई कि संसद एडिनबरा में होगी। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि 20 वर्ष से ज्यादा की आयु वाला ब्रिटेन का कोई भी निवासी चुनाव में हिस्सा ले सकेगा। हालांकि एक शर्त यह भी थी कि चुनाव में मताधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों के पास रहेगा जो स्कॉटलैंड के निवासी हैं या फिर उनका मुख्य निवास उसी देश का है। और 1999 में 2 साल तक पेड़ पर रहने वाली अमेरिका की एक पर्यावरण कार्यकर्ता जूलिया बटरफ्लाई हिल ने धरती पर वापस कदम रखा था। वह कैलिफोर्निया प्रांत में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही थी। वह 738 दिनों तक पेड़ पर रही और कैलिफोर्निया प्रांत के जंगलों में व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए काटे जा रहे रेडवुड पेड़ों को बचाने की मुहिम छेड़ी। इससे पूरे विश्व का ध्यान और मीडिया की तवज्जो पाल्को नाम की एक कंपनी की गतिविधियों की ओर गया। यह कंपनी पर्यावरण के हानिकारक समझे जाने वाले तरीकों से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करवा रही थी। हिल के इस अभियान से जनता में जंगलों के महत्व को लेकर एक नई तरह की दिलचस्पी और जागरूकता आई। अपने 738 दिनों के वृक्षवास के दौरान वह 6 फुट 8 इंच के एक प्लेटफॉर्म पर रही। इस दौरान कठोर मौसम, बीमारी और उनका अभियान रुकवाने की कंपनी की तमाम कोशिशों का सामना करते हुए हिल वहीं बनी रही। इसके बाद हिल ने आगे चलकर सर्किल ऑफ लाइफ नाम की एक संस्था बनाई जिसका मकसद प्रकृति और इंसान के बीच संबंध को सुधारना था।